कौन सा सेक्शन है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में कौन सा चैप्टर है? ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में हम कहां पे पहुंचे हैं? आई थिंक इसकी कौन सी अप्रोच चल रही है? न्यूमेरिकल अप्रोच चल रही है। अभी हमने वैसे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट तो नहीं किए, लेकिन हाँ, हम न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो इक्वेशनें हमें पता होनी चाहिए, हम वो इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं। और इक्वेशंस में से कौन कौन सी इक्वेशंस की गई हैं? टॉपिक का नाम क्या है? कौन सी इक्वेशंस? इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछले साल क्या था? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस साल क्या है? इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी इक्वेशनों में मैं दो तीन दफा लिखवा चुका हूं, आज मैं सारी नहीं लिखवाऊंगा, मैं एक दफा रिव्यू कर लेता हूं और फिर हम ताकि अपने एग्जैक्ट टॉपिक पे चला जाऊं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको। क्या चल रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशंस में जी? सबसे बुनियादी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ यू प्लीज टेल मी, वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। उसके बाद वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या है? वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर v नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं? x नॉट ओमेगा। तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है? v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। सिमिलरली अगर हम a की बात करें तो a इज इक्वल टू क्या? माइनस a नॉट sin ऑफ ओमेगा t। और अगर हम a नॉट की जगह कुछ लिखें तो क्या लिखते हैं? या तो लिखते हैं v नॉट ओमेगा या लिखते हैं x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो वो a इज इक्वल टू माइनस v नॉट ओमेगा sin ओमेगा t कर लें, या a इज इक्वल टू माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t कर लें। बहरहाल इन्हीं में से जब हम वेलोसिटी वाली और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन निकालते हैं तो क्या बनती है? x ओवर x नॉट का स्क्वायर प्लस v ओवर v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x ओवर x नॉट का स्क्वायर प्लस v ओवर x नॉट ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर आप v को सब्जेक्ट बनाएं तो अल्टीमेटली क्या बनता है? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएं तो वो जैसी स्पेसिफिक थी वैसी ही जनरल है। कैसी जनाब साहब? a इक्वल्स टू क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। और पुरानी वाली इक्वेशन क्या थी? a इज इक्वल्स टू क्या? माइनस g ओवर l इनटू x। तो यहां से g ओवर l को और ओमेगा स्क्वायर को जब इक्वेट किया गया तो या तो टाइम पीरियड की इक्वेशन निकली या फ्रीक्वेंसी की निकली। टाइम पीरियड का क्या निकला? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। फ्रीक्वेंसी का क्या निकला? 1 over 2 pi under root of g over l। और अगर आप यहां से आगे restoring force की बात करें तो जो भी आपके पास restoring acceleration की equations हैं उनको किससे multiply कर दें? mass के साथ multiply कर दें तो आ जाती हैं। और हम अभी recently क्या कर रहे थे? हमारा topic है जी equations of क्या? equations of energy। simple harmonic motion में हम energy की equationों तक पहुंचे हुए हैं। मैंने कल एनर्जी का आइडिया पुराना रिव्यू तो कर दिया था कि कब कब कहां कहां कौन कौन सी एनर्जी है। तो कब कब कहां कहां कौन कौन सी एनर्जी थी? सर जी दो बुनियादी तौर पर एनर्जीज हैं जो इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां जीपीई मैक्सिमम है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। कहां है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? कहां है? मीन पोजीशन पर। क्यों? जल्दी से बैठ जाएं प्लीज। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर बिकॉज मीन पोजीशन पर स्पीड की वैल्यू क्या है? वो मैक्सिमम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम है बिकॉज वहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको हाइट कहते हैं वो मैक्सिमम है। ठीक है, और क्या हो रहा है? हमने उसकी इक्वेशन बनानी है। पहले मैंने सोचा ग्राफ बनाऊं, फिर मैंने कहीं स्पेसिफिकेशंस पढ़ी, उसने नहीं कहा, उसने ग्राफ का नहीं कहा, तो मैंने कहा जी पहले क्या करें, इक्वेशन पूरी कर लें, ग्राफ का टाइम बचा तो देख लेंगे, अदरवाइज मैंने ग्राफ साफ कोई नहीं पढ़ाने। तो क्या हेडिंग लिखी हुई थी आपके पास? इक्वेशन ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीजिए जनाब साहब, हमें इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट क्या जनाब? एट एनी डिस्प्लेसमेंट। जनाब सिंह, काइनेटिक एनर्जी का
बातें नहीं करो भाई, बुनियादी एक ऑर्डिनरी लेवल का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब एक सवाल है आपसे, मैं हाफ की जगह कुछ और लिखूं? नहीं। एम की जगह कुछ और लिखूं? नहीं। वी की जगह, हाँ एक इक्वेशन है मेरे पास। आपको इक्वेशन कौन सी चाहिए? नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चाहिए? तो इक्वेशन है मेरे पास, कौन कौन सी? पहली इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सी? वो जो वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी या एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। और एक और इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस। अब मुझे इक्वेशन कौन सी चाहिए? इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी, हाँ इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। क्या चाहिए जनाब साहब? विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर चाहिए तो मैं वेलोसिटी की कौन सी कौन सी इक्वेशन पुट करूंगा? प्लस माइनस ओमेगा इनटू क्या? अंडर रूट ऑफ एक्स। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो करो जी, पुट करें इसमें। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, वी की जगह क्या लिखूं मैं? प्लस माइनस ओमेगा होल अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड नो व्हाट, इस पूरे का क्या? ये पूरा वी है ना, इस पूरे वी पर क्या डालना है जी? सर जी स्क्वायर डालना। ओके, क्या करूं अभी? ये प्लस माइनस का स्क्वायर लो तो क्या होगा? प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो प्लस माइनस बीच में से खत्म कर देता हूं फिर। अब मैं प्लस माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस ही हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर वापस में एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड आई थिंक वो अंडर रूट उसका खत्म हो जाएगा। क्या बना वो भी इससे? दिस बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट व्हाट? एट एनी डिस्प्लेसमेंट। द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट क्या? एट एनी डिस्प्लेसमेंट। हाफ इज हाफ, इट्स अ नंबर। एम इज क्या? मास, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। एक्स नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्या वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो असल में काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है किसकी टर्म्स में? सर ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है एक्स की टर्म्स में। तो आपने एट एनी डिस्प्लेसमेंट पर, हाफ तो कांस्टेंट था, एम भी कांस्टेंट था, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। सवाल में अगर फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, अगर डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं है, तो एक्स नॉट की वैल्यू भी क्या होगी? वो भी कांस्टेंट होगी। तो जब सब कुछ ये कांस्टेंट होगा तो एक चीज वेरी कर रही होगी, कौन? एक्स वेरी कर रहा होगा। कि तो फिर आप जिस लम्हे पर, जिस एक्स पर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो एक्स उठा के यहां पर क्या कर दें? पुट कर दें। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी दो जगहों पे चाहिए, एक मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन और एक मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो देखते हैं कि क्या जवाब आएंगे। तो पहले काम करिए, पहले सवाल लिखिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वैसे तो मुझे पता है जीरो है, वैसे तो मुझे पता है कि जीरो होगी, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट करके चेक करना चाहता हूं कि क्या जवाब होगा क्या नहीं होगा। प्लीज उठ के बैठे, थोड़ा अटेंटिव होके बैठे, क्या ध्यान दीजिए। क्या निकालना जी? काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जी कैसे निकालूं एट द एक्सट्रीम पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन पर वैसे एक्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू एक्स नॉट होती है। क्या होती है? तो हाफ हाफ था, एम एम है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है, यहां तक सब कांस्टेंट है, माइनस क्या? अब जो एक्स की वैल्यू थी, मैं उस एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? एक्स नॉट का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर जीरो। तो द आंसर इज क्या? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो। व्हाट इज इट? जीरो। तो तुम्हें पहले से पता था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी? जीरो ही थी ना।
हाँ मेरी इक्वेशन भी कैसी है, ऐसी ही है कि अगर मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, अगर मैं वहां पे x नॉट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर x नॉट पुट कर लूं, इवन पॉजिटिव एक्सट्रीम होती तो प्लस x नॉट का स्क्वायर, नेगेटिव एक्सट्रीम होती तो माइनस x नॉट का स्क्वायर होता, वो भी क्या वो प्लस ही होता, और वो ये वाला माइनस बाहर का माइनस था, इसके अंदर प्लस x नॉट का स्क्वायर है कि माइनस x नॉट का स्क्वायर है वो मैटर नहीं करता, ओवरऑल जवाब ने क्या आना है, किसी को मसला इस बात से। अब मैं चाहता हूं क्या निकाला जाए, मैं चाहता हूं निकाला जाए काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ हाफ है, एम एम है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है, कौन है वेरिएबल, एक्स वेरिएबल था ना। अब मीन पोजीशन पर एक्स की क्या वैल्यू होती है, जीरो, तो क्या लिखूं यहां पर, माइनस जीरो का स्क्वायर, माइनस जीरो का स्क्वायर। अब बताएं यहां पर बताएं जवाब क्या है, आई थिंक यहां जवाब है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स नॉट स्क्वायर। हेलो जी, अब एक सवाल है भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, जी मेन पोजीशन वाला ऊपर कर, मेन पोजीशन में हाफ था, एम था, ओमेगा स्क्वायर था, एक्स नॉट का स्क्वायर था, मेन पोजीशन पर एक्स की क्या वैल्यू होती है, जीरो, तो मैंने वहां पे वो जीरो का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या बना, दिस बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन का जो आपके पास फॉर्मूला बना है, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब एक सवाल है आपसे, ये मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है ये सिर्फ आपने काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन का निकाला, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम ओवरऑल एनर्जी का निकाला है, किसका निकाला है, यू रिमेंबर इस लम्हे पर काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो जीपी जीरो है, तो अगर जीपी जीरो है तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या है, दिस इज नॉट जस्ट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट आई बिलीव इट्स द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम करें जी, आई विल रिकमेंड कि इसके सामने क्या लिखें, दो बातें लिखवाता हूं, एक तो ये लिखें कौन है ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, रादर आई थिंक आई बिलीव इट्स द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी एज वेल, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखें या के डॉट के डॉट ई के साथ क्या लिख दूं, ई नॉट लिख दूं, यू रिमेंबर ई नॉट का सिंबल फॉर मैक्सिमम वैल्यूज, एक्स नॉट वी नॉट ए नॉट, तो ई नॉट, ठीक है, के डॉट ई नॉट, के ई नॉट। एंड आई थिंक मैं जो यहां एक्स्ट्रा बात लिखवाना चाहता हूं वो क्या है कि जनाब साहब दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी एज वेल, क्यों, बिकॉज जिस पोजीशन पर आपने एनर्जी निकाली है उस पोजीशन पर जीपीई क्या है, जीरो है, तो उस पोजीशन पर टोटल एनर्जी यही है, ठीक है, वो तो जीपीई तो जीरो हो गई तो ये रह गई तो टोटल लेवल ही आ जाएगी, इसको मसला इस बात से। एक काम करेंगे जनाब साहब, एक काम करेंगे, इसके नीचे नोट लिखे नहीं, सिंस क्या, यूं लिखे, यूं लिखे, इधर लिख देता हूं, सिंस व्हाट, सिंस व्हाट, सिंस व्हाट जी लिखे, सिंस टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, लिखे, सिंस टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, since total energy at any point is equal to the sum of gravitational potential energy and kinetic energy, since total energy at any point is equal to sum of GPE and KE, so the total energy बल्कि एक सेकंड ऐसे सिंबल्स में लिखेंगे, सो क्या जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीपीई प्लस केई, तो अगर मैं किधर बात करूं
ये बात अगर हम ये कैलकुलेशंस किसे करो, एट कौन सी पोजीशन, एट मेन पोजीशन, तो वहां पर जीपी कितना है, जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि जो फॉर्मूला आपके पास अभी निकला, कौन सा वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, जिसको आपने पहले क्या कहा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मैं समझता हूं ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या करूं, या तो आप चाहें तो ई टी लिखें, बल्कि काम करूं ई नॉट ना लिखूं, मतलब ना तो के ई नॉट ना जीपी, कौन ई नॉट, मतलब टोटल एनर्जी लाइक जो भी है वो ई नॉट ही कह देता हूं, के नहीं लिख रहा, जीपी नहीं लिख रहा, तो जनरली ई नॉट लिख रहा हूं। पहले इसके बाद क्या लिखा था, के ई नॉट, के काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम, अच्छा वैसे एक और बात याद आ गई, अगर ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू थी जबकि जीपी क्या थी, जीरो थी, फिर मैं कहें टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी की वैल्यू है, तो मुझे तो लगता है ये ही जीपीई मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जीपी की भी यही वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि जीपी मैक्सिमम किधर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, तो एक्सट्रीम पर काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी, तो पीछे बचेगा क्या, टोटल तो इतना ही होगा, टोटल तो इतना ही होगा, तो जब टोटल ने इतना ही होना है तो एक काम करते हैं, ये वाले फॉर्मूले पूरे कर लें, मैं जाता हूं जीपी वालों की तरफ, उधर अलग से भी ड्राइव कराऊंगा, अलग से ड्राइव कराना चाहता हूं। आई थिंक ये वाला पेज अभी किसके लिए था, इक्वेशंस ऑफ, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, उसमें से क्या निकला, आई थिंक जो मेरी सबसे जनरल इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट वाली, वो कौन सी है सर, वो ये वाली है, कौन सी है बच्चों, ये वाली इक्वेशन थी हमारी, इसको क्या बोलूं मैं, जनरल इक्वेशन फॉर क्या, फॉर काइनेटिक एनर्जी, यू कैन कॉल इट जनरल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो निकाल दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। फिर मेन पोजीशन पर जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकला, हाफ एम, हाफ एम क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट, ये किसका था, पहले मैंने बोला ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, फिर मैंने बोला यही कौन है, यही टोटल एनर्जी भी है, और मुझे लगता है कि यही मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन भी है। अब वो कैसे लगता है, दिमाग में प्रोसेसर चल तो रहा है कि टोटल एनर्जी अगर मैक्सिमम है, मतलब ये वो तो फिक्स्ड होती है, तो जब जीपी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी जीपी मैक्सिमम होगी, तो ये कौन होगी, वो तो यही जीपी भी होगी फिर। लेकिन बहरहाल मैं जीपी की इक्वेशन प्रॉपरली दोबारा लिखवाना चाहता हूं, कैसे लिखवाऊंगा जनाब साहब, हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट विच पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जरा सुनिए क्या होता है। जीपी का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं क्या लगाना चाहता हूं, मैं टोटल एनर्जी की इक्वेशन लगाना चाहता हूं, टोटल एनर्जी की इक्वेशन किस सिचुएशन में, एट क्या, मैं बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से भी फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, इनडायरेक्ट तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूं कि टोटल एनर्जी क्या होता है जी, सर जी वो होता है जीपीई प्लस के ई। अब अगर आप चाहते हैं एट द क्या, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, अच्छा एट द एक्सट्रीम पोजीशन प्लीज टेल मी ये जीपीई क्या होगा, सर एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज क्या कंफर्म है, सर जी के ई तो जीरो होगा, मैं पहले वहां निकाला हुआ है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन के ई क्या निकाला हुआ था, सर ये तो कंफर्म है कि ये क्या है, ये जीरो है। अब अगर ये जीरो है तो उस वक्त जीपी कितनी है, मैं निकाल देता हूं, मुझे बताएं टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, ये जो आपने निकाला था ये किसका फॉर्मूला निकाला था, टोटल एनर्जी का, व्हाट इज हाफ कांस्टेंट एम कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट एक्स नॉट, आपकी इतला के लिए अर्थ है कि दिस टोटल एनर्जी वॉज, चाहे आप मीन पर निकालें तब भी यही वैल्यू होगी, चाहे आप एक्सट्रीम पर निकालें, दस एक मिनट है सर।
चाहे आप क्या करें, चाहे आप एक्सट्रीम पे निकालें, चाहे आप मीन पे निकालें, चाहे आप किसी भी जगह पे निकालें, टोटल एनर्जी की क्या इक्वेशन बनती है, वो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ही बनेगी, एक्स नॉट नहीं एक्स नॉट स्क्वायर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू क्या है सर जी, दैट वैल्यू इज कॉन्स्टेंट। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज, ये बात हमने कल भी शायद की थी कहीं, कि जब वो एनर्जी की कन्वर्जन की बात हो रही थी तो मैंने एक जुमला लिखवाया था कि क्या होता है कि जी हम कहते हैं वी कैन से दैट द ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज अ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज डीपीई एंड केई एसोसिएटेड विद इट सच दैट केई एंड जीपीई आर कंटीन्यूअसली इंटरकन्वर्टिंग टू ईच अदर वेयर एज द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स क्यों कॉन्स्टेंट, उसकी वेरिएबल ही सारे कॉन्स्टेंट है, हाफ कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन। अब टोटल एनर्जी किस लम्हे पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, वो टोटल एनर्जी किस लम्हे पर मैक्सिमम जीपीई को कहते हैं, ये वो टोटल एनर्जी किस लम्हे पर जीपीई और काइनेटिक दोनों की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं, ये तो अब अपनी सिचुएशन की बात है। ठीक है, अगर आप सिचुएशन लेते हैं कौन सी एक्सट्रीम वाली, वहां के ही क्या है तो जीपीई क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि एट एक्सट्रीम पोजिशन अगर आपने के ही को जीरो कह दिया है तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मैक्स, आप वैल्यूज बताएं जरा मुझे, मुझे बताएं टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, एट एक्सट्रीम पोजीशन हो या एट मीन हो या एट एनी पोजीशन हो, वो क्या होता है, इट इज कांस्टेंट एट क्या, तो कांस्टेंट है उसका तो फॉर्मूला कांस्टेंट के बराबर है, क्या करूं जी, एट एनी पोजीशन वो क्या होगा, जब टोटल की बात है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होगा। यहां से क्या निकलेगा, जीपीई क्या, जीपीई नॉट, ये जीपीई का मैक्सिमम निकलेगा, प्लस क्या, बस जीरो, बताओ खत्म। तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा कि यार जो जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आपने निकाला है, निकाला वैसे कहां से निकाला था हमने ये सर, निकाला हमने ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम के लिए था, किसकी मैक्सिमम के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, उस फॉर्मूले में हमने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एक्स नॉट किया, जवाब जीरो आ गया, मीन पोजीशन के लिए एक्स की जगह जीरो लिखा तो जवाब क्या आ गया, ये आ गया। हमने उसको क्या कहा, कौन है ये, पहले कहा कौन है ये, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, फिर कहा कौन है ये, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी टोटल एनर्जी है, अब क्या कहा, क्या है ये मैक्सिमम जीपीई है। तो एक ही चीज के हमने कितने नाम रख दिए, तीन, पहले उसको कहा कौन है ये, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसी को क्या कहा, क्या है वो, टोटल एनर्जी, फिर जो टोटल एनर्जी थी उसी को क्या कहा, क्या है वो मैक्सिमम जीपीई भी है, कब कब, मुख्तलिफ जगहों पर, कि इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे जब वो मीन पर होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम होगा, जीपी जीरो होगा, इसी को क्या कहेंगे, मैक्सिमम जीपीई कहेंगे, किस पोजीशन पर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, इसी को क्या कहेंगे, टोटल भी कहेंगे, जो मर्जी कर लें टोटल यही रहेगा, टोटल, आप बेशक मीन की बात ना भी करें, एक्सट्रीम की बात, किसी भी पोजीशन की बात कर लें, उस पोजीशन पर टोटल क्या रहेगा, यही रहेगा, किसी को मसला इस बात से। अच्छा, अब एक चीज रह गई, आप काइनेटिक एनर्जी वाले उस तरफ जाएं, वहां मैंने काइनेटिक एनर्जी की कितनी इक्वेशन लिखी है आपके सामने, दो, दो कैसी, व्हाट इज दिस, जनरल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या बेसिकली मुझे क्या कहना चाहिए, एट एनी डिस्प्लेसमेंट, क्यों क्यों कह रहा हूं मैं एट एनी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी इक्वेशन में एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा, फिर जो ये वाली इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कौन है ये, या तो कहें सर ये काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन है, या कहें सर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, कौन कौन सी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर व्हाट, फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली एट मीन पोजीशन, इसको मसला इस बात से, ये दोनों बातें हो गई, तो मुझे यहां दो लिखी हुई है ना, तो मुझे जीपीई की भी कितनी चाहिए,
अभी जीपी की कौन सी निकली है? अभी जीपी की निकली है कौन सी? एट द एक्सट्रीम पोजीशन उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। क्या निकला जी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। और ये वही जवाब है जो टोटल एनर्जी का है या मैक्सिमम काइनेटिक का है। लेकिन जीपीई की जो जनरल इक्वेशन है मैंने अभी तक वो नहीं निकाली। तो जीपीई की जनरल इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूं? मैं फिर यही फॉर्मूला लगाऊंगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा? सुने जरा गौर से, एक काम करें तो लिखता हूं। क्या लिखूं? दोबारा लिखें जी, जनरल इक्वेशन बनानी है। क्या लिखूं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीपीई प्लस, किसी को एतराज है इस इक्वेशन से? है जी। अब मैं क्या करने लगा हूं, गौर से सुनने वाली बात है। अब मैं जीपीई की बात करूं, सॉरी टोटल एनर्जी की बात करूंगा एट एनी पोजीशन। जीपीई की कभी मुझे वैल्यू चाहिए किधर की? एट एनी पोजीशन। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी पुट करना चाहिए, कौन सा? एट एनी पोजीशन वाला। अच्छा जी, अब मैं बताएं व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन? वो तो कांस्टेंट है सर, क्या है ये तो कांस्टेंट है, क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू क्या? जीपीई एट एनी पोजीशन, वो तो मैंने निकालना है अभी। क्या निकालना है जी? जीपीई एट एनी पोजीशन, ये तो मेरा सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या? What is kinetic energy at any position? Half m omega square x naught square minus x square. Okay. तो वहां प्लस हो रहा है, यहां कर क्या हो जाएगा? यहां कर माइनस हो जाएगा। Half m omega square x naught square minus half m omega square x naught square minus x square is equal to क्या? जीपीई एट एनी पोजिशन। हेलो जी, बताया क्या करूं उसमें से? कुछ कॉमन ले लू, क्या कॉमन लू? हाफ कॉमन ले, एम भी कॉमन ले, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले, यहां क्या बचा? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, यहां क्या बचा? एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गौर करो यार इस पर, हाफ कॉमन हो गया, एम भी कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो गया, इधर से बचा क्या? एक्स नॉट स्क्वायर कौन? ये आ गया माइनस। माइनस के बाद मुझे क्या लिखना था? ये पूरी ब्रैकेट। तो मैंने कहा माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बता, सादी सी मैथ चल रही है। दिस विल गिव यू क्या? दिस विल गिव यू जीपीई एट एनी पोजिशन। क्या क्या काट दू? क्या बचा पीछे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? जीपीई एट क्या? एट एनी डिस्प्लेसमेंट या एट एनी पोजीशन। ये है मेरी आखिरी इक्वेशन। अब आपने थोड़ा सा इनको याद रखने के लिए ध्यान देना है। मैं अभी बताता हूं कि कितना कितना फर्क है, कहां कहां क्या क्या चल रहा है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है। थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी हम। यहां पर किसकी इक्वेशन है? जीपीई की इक्वेशन है। एट व्हाट? एनी पोजीशन मतलब एनी एक्स, कोई भी एक्स होगा यहां पुट कर दीजिएगा। हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो जो एक्स होगा वो यहां पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब एक सवाल पूछूं आपसे, अगर एक्स, अगर मेन पोजीशन हुई, कौन सी पोजीशन हुई, तो मेन पोजीशन पर एक्स क्या होगा? तो पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? जीपी क्या होगी? किसका मसला है? अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स क्या होगा, तो जीपी क्या होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन से दोबारा भी क्या निकालना चाहता हूं, मैं इस इक्वेशन से दोबारा दो बातें निकालना चाहता हूं। क्या? जीपी एट क्या जी? पहले क्या निकालू? एट मीन, फिर यहां जीपी एट एक्सट्रीम। क्या लिखूं? एक्स नॉट स्क्वायर। तो वही नहीं है जो पहले भी था कहीं हमारे कि जीपी एट एक्सट्रीम। वन सेकेंड, क्या आ रही है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ही आ रही है। तो ये कौन सी वाली जीपी है? मैक्सिमम जीपीई है। खैर बहरहाल
मुझे लगता है मैंने इतनी दफा ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एक्स नॉट स्क्वायर लिख दिया है कि कंफ्यूज ही ना हो गए हूं, है जी, कि कब एक्स स्क्वायर है, कब एक्स नॉट स्क्वायर है, कब एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या चल रहा जी? हर फॉर्मूले में हाफ है ना, एम भी है ना, ओमेगा स्क्वायर भी है। अब अगला मसला क्या, कहां एक्स स्क्वायर है, कहां एक्स नॉट स्क्वायर है, कहां एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तीन बातें हैं। प्लीज टेल मी, कहां एक्स स्क्वायर है, जस्ट एक्सप्लेन, जीपीई एट एनी डिस्प्लेसमेंट, कहां एक्स नॉट स्क्वायर है, सर टोटल जीपीई में के लिए, टोटल काइनेटिक के लिए या टोटल एनर्जी के लिए, वो एक्स नॉट स्क्वायर, कहां एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट, तो बुनियादी तौर पर तीन फार्मूले लिखवाए मैंने आपको, ठीक है, ये समझ आता तो ठीक बात है, नहीं समझ आता तो क्या करें, उसको खड़े में भेजें और क्या दिमाग में रखें, दिमाग में रखें ये वाली समरी, एंड बोले जी समरी ऑफ द फॉर्मूला, ये जो हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशंस ऑफ, बल्कि समरी ऑफ द इक्वेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एक्चुअल, आई हैव रिटन थ्री इक्वेशंस, कौन कौन सी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ या इसको क्या बोले, टोटल काइनेटिक एनर्जी, या इसको क्या बोले, टोटल जीपी, तो इसके लिए क्या नाम है सर जी, इसको या तो मैं बोलूंगा ई नॉट, या फिर क्या बोलूं इसको, या इसको बोलेंगे सर जी ये के ई नॉट, या फिर क्या बोलूं इसको सर जी, या इसको बोले जी क्या जीपीई नॉट, या तो ये मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू है या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसको मसला इस बात से, अच्छा ये किसकी है बताएं जनाब जी, सर ये जीपीई कौन सी वाली, जस्ट जीपी एट एनी पोजिशन, ये वाली कौन सी है, के ई कौन सी वाली, एट एनी पोजिशन एट एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, इसको बोले के ई एट एनी डिस्प्लेसमेंट, और ये ऊपर वाला क्या है, जीपीई एट एनी डिस्प्लेसमेंट जी। तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 क्या करें जी, हाथ खड़ा कर दो एनीवन, सो यू नो क्या बात चल रही है बेटा, इक्वेशंस हैं आपके सामने, मैंने ड्राइव कहां से किधर से किधर से जो भी किया है वो तो मैंने किया है, वो आपके नोट्स डेवलप करने के लिए होता है, आपके एक बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए होता है, अल्टीमेटली आपको पता है इक्वेशनों का करना क्या होता है, याद ही करनी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ है शायद आपको याद भी ना हो, दो मिनट बस, काइनेटिक एनर्जी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हाफ एम स्क्वायर, किसी को पता है कहां से ड्राइव हुआ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, वो वर्क का फॉर्मूला था एफ डी, डी की जगह क्या लिखा था आपने, टू ए डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर टू ए लिखा था कहीं, ठीक है, तो वहां से कहीं ना कहीं क्या हुआ भाई, वहां से ये हाफ एम वी स्क्वायर एफ ओवर ए की जगह एम आ गया, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया था कहीं, और यू स्क्वायर क्यों गायब हो गया, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो गया, ठीक है, अब वो याद है कि नहीं याद, कोई प्रॉब्लम की बात क्यों नहीं है सर, हाफ एम वी स्क्वायर तो याद है, ठीक है, इसी तरह अब ये मैंने फॉर्मूला कहां से निकाला है कहां से नहीं निकाला, ये इतना मैटर क्या करता है,